अंदर हलचल है, कमरे के अंदर नज़ारा आप देख रहे हैं कि कमरा के भीतर लोग अभी अपने सेल्फी ले रहे हैं, कैमरे से फोटो खींचने, मोबाइल कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आजम भीतर आंगन में ही कहीं मौजूद हैं। हम यहां से देख नहीं पा रहे हैं लेकिन भीड़ इतनी है, ऐसा लग रहा है कि आजम आंगन में ही मौजूद हैं और वहीं पर जो उनके तमाम समर्थक हैं, हजारों समर्थक बाहर हैं लेकिन जो भीतर हैं वो गिने चुने लोग वहां पर मौजूद हैं। और हम इधर आपको सड़क का नजारा दिखाते हैं थोड़ा सा कि सड़क पर किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भीड़ ये देखिए, पूरा जो रास्ता है ये, इस रास्ते पर पुलिस फोर्स के पूरे वाहन ही वाहन दिख रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के एसपी साहब हैं पीयूष जी, हम उनसे बात करेंगे। सीओसीटी माफ कीजिएगा, तो सर क्या तैयारियां हैं, यहाँ से कैसे ले जाएंगे? जो प्राप्त हमें जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ से रामपुर जाने का प्रोग्राम है और ये शाहजहांपुर बरेली होते हुए जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती है इस रास्ते से उनको हाईवे तक ले जाना, उसके लिए क्या इंतजाम? नहीं, हमारे यहाँ रास्ते में पूरी ड्यूटियां लगी हुई हैं, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। सुबह देख रहा था तमाम जगह बैरिकेटिंग भी है, बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्या ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया? नहीं, ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया, ट्रैफिक रेगुलेट किया गया है। जिन लोगों को अगर लखनऊ जाना है तो उनको शहर में आने के बजाय हमने बाईपास से डाइवर्ट कर दिया है। ट्रैफिक को स्मूथन करने का प्रयास किया गया है, न कि ट्रैफिक को डाइवर्ट, और रेगुलेशन ज्यादा है न कि डाइवर्जन। कहीं बाहर से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है, चूंकि आजम की रिहाई है, हजारों समर्थक आने की उम्मीद थी कि हजारों लोग आएंगे, आए भी हैं। यहाँ पर सुबह आप लोगों ने मार्च किया था, लोगों को हटाया है यहाँ से, जेल के आसपास साफ कराया है तमाम रास्ते, तो कितने लोग हैं यहाँ पर, क्या कहीं इकट्ठा भी है लोग? नहीं, ऐसा कहीं पे कोई इकट्ठा नहीं है, कुछ लोग आए थे, गाड़ियां आ गई तो उनसे सवेरे वार्ता करके उन लोगों को बता दिया गया है कि यहाँ से रामपुर जाना है, आप लोग अपना रामपुर में मुलाकात कर लें, जिसमें सबने सहयोग किया, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। फिलहाल यहाँ पे मीडिया के अलावा थोड़े बहुत लोग और हैं। अच्छा सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ से जो फ्लीट है आजम खान साहब की, वो कैसे जाएगी, क्या आपका जो पुलिस प्रशासन है उसको फॉलो करेगा, एस्कॉर्ट करेगा? देखिए, फ्लीट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो एक सांसद का प्रोटोकॉल होता है माननीय सांसद जी का, उसके अनुरूप जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, उनका अपना वाहन है और इनको सकुशल जनपद की सीमा से पार कराना हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम पूरा करेंगे। यानी सिर्फ सीतापुर जनपद से पार कराने का आपकी जिम्मेदारी है? हमारी जो ड्यूटी रहेगी सीतापुर की सीमा तक रहेगी, उसके बाद आगे के जनपदों को भी हैंड ओवर किया जाएगा। अगर वो दूसरे जनपद की सीमा में प्रवेश करेंगे तो वहाँ की पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगी? हाँ, उनको इंटीमेशन ऑलरेडी कर दिया गया है किस रूट से होते हुए जाएंगे, वो सभी के पास ये जानकारी है। तो हमारे साथ पुलिस अधिकारी यहाँ पर सीतापुर के मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पूरा जो रूट है वो क्लियर है, रास्ता क्लियर है। और देखिए, हलचल बढ़ चुकी है विधायक अनूप कुमार गुप्ता के आवास पर, हलचल बढ़ चुकी है, पुलिस अधिकारी बाहर निकल रहे हैं, अंदर जो लोग थे उनको भी बाहर किया गया है, चूंकि बहुत सारे लोग लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान से बात कर लें, मुलाकात कर लें, अंदर जाके मिलने व्यक्तिगत रूप से, तो अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि अंदर से लोग जो बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए, अंदर भी तमाम लोग अंदर जा चुके हैं। देखिए, ये हमारे सहयोगी हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हलचल बढ़ गई है, मीडिया की चहलकदमी बढ़ गई है क्योंकि अब आजम बाहर की ओर रुक कर रहे हैं। और देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, और किस तरीके से बातचीत की कोशिश शिवपाल से की गई, उससे क्या बातें निकल करके आई हमने आपके सामने रखा, जहां शिवपाल का साफ कहना है कि सपा जो नेता है और नेताजी मुलायम सिंह के यही कहने हैं कि सुख दुख में साथ रहो। और आजम की ये खास तस्वीरें बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगभग दो महीने 28 दिन के बाद इसी गेट से बाहर निकल करके बाहर की दुनिया जब आजम खान देखते हैं और अपनी गाड़ी पर सवार होते हैं जिस पर विधायक लिखा है, तो किस तरीके की तस्वीरें थी और कैसे समर्थक और कैसे उनके एक्सप्रेशन वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये खास तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, विधायक लिखी हुई इस गाड़ी में वो सवार होते हैं। और अब पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है, क्यों विवेक? तो हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर पर, इस वक्त आजम मौजूद हैं क्योंकि सुख दुख के साथ में मौजूद रहे थे ये पूर्व सपा विधायक और उन्हीं के घर पर उनकी मौजूदगी दर्ज है, लेकिन अब लगता है रवानगी की हलचल बढ़ चुकी है। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, इसलिए मैं गेट पर ही हूँ, विधायक के गेट के ठीक बाहर मौजूद हूँ और अंदर
कुछ लोगों को अभी बुलाया गया है, कुछ लोग भीतर पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम और नजदीक, थोड़ा सा घर के नजदीक आ गए हैं और अंदर का नजारा जो दिख रहा है आपको, अंदर लोग चूंकि लगातार आने जाने वाले लोग हैं इसलिए पुलिस के अधिकारी वहां पर आ गए हैं, और जो भी भीतर जा रहा है, यानी जो भी किसी भी तरह से कूद फांद कर, किसी भी तरह से जैसे हम भी कूद फांद कर ही यहां पर आए हैं इतने घर के पास तक, क्योंकि रास्ते में पुलिस ने कुछ दूर पहले बैरिकेडिंग कर रखी है, रस्सी से पूरा रास्ता कवर कर रखा है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन मुजाहमत करनी पड़ी। हम लोग खैर घर के पास तक पहुंच गए हैं यहाँ पर, और घर के ठीक दीवार की सटे हुए खड़े हैं, और आप कैमरे से नजारा देख सकते हैं अंदर, क्योंकि ऐसे ही तमाम लोग कूद फांद के अंदर भीतर घुस गए हैं, तो उनको रोकने के लिए, यानी दरवाजे तक तो पहुंच गए लेकिन दरवाजे से अंदर ना जा पाए, भीतर जो जहां पर आजम बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, अदीब बैठे हुए हैं, उनसे उन तक पास ना पहुंच पाए, हालांकि सभी लोग पहुंचना चाहते हैं। तो अब एक टीम लगा दी गई है पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की, और जो स्थानीय नेता हैं वो भी लगा दिए गए हैं, लोगों को समझा बुझाकर यहां से हटाया जा रहा है कि अंदर बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, और आजम साहब शुक्रिया अदा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, कुछ देर बैठकर तफसील से बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए उनको उनका समय दीजिए। उनको जो विधायक हैं उनके वो एहसानमंद हैं, उन्होंने करीब 27 महीने तक उनके परिवार का यहाँ सीतापुर में ख्याल रखा, इसलिए वो शुक्रिया अदा करने आए हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग बाहर चले जाएं, बहुत सारे लोग इस समय जो अंदर से हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है कि आप लोग बाहर आ जाइए, अंदर भीड़ है, और भीड़ की वजह से गर्मी भी, माहौल भी थोड़ा गर्मा गया है अंदर का, तो कोशिश ये है कि लोग बाहर आ जाएं, बाहर इकट्ठा हों। आजम जब निकलेंगे इस घर से, करीब आधा घंटा लगभग हो चुका है यहाँ पर आजम को भीतर गए हुए, तो आजम के निकलने का इंतजार है सभी को जो बाहर इकट्ठा हैं उनको भी, और जो गेट पर हम जैसे पत्रकार मौजूद हैं उनको भी ये इंतजार है कि आजम यहाँ से बाहर निकले और हमसे बात करें, हम लोगों से बात करें, अपने विचार साझा करें। 27 महीने के दौरान उनका जो बयान था, पेशी पर गए तब भी उनको बोलने की इजाजत नहीं थी, वो अपनी बात नहीं रख सके। आज चूंकि आजादी मिली है, रिहाई मिली है, अंतरिम बेल पर वो बाहर आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इसी कोशिश में हमारी एबीपी गंगा की टीम यहां पर मौजूद है, लगी हुई है, और ये हमारा कैमरा लगातार उस दरवाजे को फोकस कर रहा है, उस दरवाजे को जहां जिसके भीतर से आजम अनूप कुमार गुप्ता के घर पे गए हैं, उस दरवाजे पर लगातार नजर है ये हमारे कैमरे की, एबीपी गंगा के कैमरे की, वहां हर गतिविधि देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको रोका जा रहा है, किसको अंदर जाने दिया जा रहा है, ये तस्वीरें सीधे लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक। और कोशिश ये है कि अंदर जो होने वाली गतिविधियां हैं आजम के, कुछ बिल्कुल ठीक है, आप और आपके कैमरा सहयोगी बिल्कुल ठीक वैसे ही मौजूद हैं। विवेक, मैं बताती चलूं, स्क्रीन को समझा दूं किस तरीके से तस्वीरें चल रही हैं। जिस तरीके से इस वक्त दरवाजे पर आपका कैमरा है, ठीक ऐसे ही गेट पर आपका कैमरा था, तो वहां से हमें जो तस्वीरें मिली थी वो चल रही हैं, जहां आजम का वो एक्सप्रेशन देखते हैं, वो भाव भंगिमा देखते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज हमारे दर्शक देखते हैं कि पूरे 2 साल 2 महीने के बाद जब वो बाहर आते हैं इस गेट के, तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो तस्वीर चल रही है। बीच में हमारे स्क्रीन के दिखाई दे रही है सीतापुर की वो सीधी तस्वीर, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और आपके कैमरा सहयोगी ने उसे फोकस करके रखा हुआ है, और बार बार हम उस खास तस्वीर को दिखा रहे हैं विवेक, जहां आजम की रिहाई का वो पल, वो क्षण, वो लम्हा आ जाता है और उस गेट के बाहर आते हैं। हालांकि 2 साल 2 महीने पहले सांसद के तौर पर गए थे, विधायक वाली गाड़ी पर बैठते नजर आ रहे हैं, कितना कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में और फिजा में, उसको भी महसूस कर रहे होंगे, भांप रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हैं जो आप लोगों ने कैप्चर करी हैं। और जब वो इसी बड़े से गेट से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए बार बार इन तस्वीरों पर निगाहें हैं, इसे आप देख सकते हैं। और विवेक, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर के बाहर, जिनके घर के दरवाजे पर निगाहें टिकी हुई हैं, उसी दरवाजे से कभी किसी वक्त आजम बाहर आ सकते हैं। जी विवेक,
जी देखिए, अंदर कुछ लोगों को और बुलाया गया है, कुछ लोग और अंदर गए हैं, यानी अब बाहर से जिन्होंने अपनी अर्जी लगा रखी है, जो मिलना चाहते हैं, अंदर आजम खान के पास लगातार मैसेज पहुंच रहा है कि फलाने पार्टी के वो आए हैं नेता, फलानी समाजवादी पार्टी से हैं या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हैं। और अभी तक जो गेट पे खड़ी थी वो मोहतरमा देखिए अंदर जा रही है, मुलाकात उनकी नौबत आ गई है कि अब वो आजम साहब से अंदर जाके मिलेंगी, यानी उनका नंबर आ गया। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी, उन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर अपना आक्रोश भी दिखाया था कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब उनका नंबर आ गया, यानी एक एक करके जो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भीतर बुलाया जा रहा है। जैसे ही मैसेज पहुंच रहा है अंदर, वैसे ही उनको बुलाया जा रहा है और उनसे आजम खान साहब से बात कराई जा रही है, मुलाकात कराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो अंदर के लोग हैं वो भी यहाँ पर गेट पर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर ले। अरे पापा जी, ये क्या है, अंदर आजम साहब बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अंदर परिवार से मिल रहे हैं जी। इस जो पूर्व विधायक हैं उनके परिवार से मिल रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं पापा जी अंदर? नहीं, इस समय वही हैं, परिवार के लोग हैं, बाकी लोगों से मिल लिए जो। अच्छा। हाँ, जो लोग आए थे उन सबसे मुलाकात करके। कितने लोग होंगे टोटल? अब मैं गिनती तो नहीं की है। सारी भीड़ है, आप ही एंट्री दे रहे हैं हमने देखा। नहीं 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 नहीं, हम नहीं दे रहे। भी अंदर करा दीजिए, आजम साहब से बात कर ले। नहीं नहीं नहीं, बाहर भीड़, यहाँ कहाँ भीड़, तो पुलिस ने आने नहीं देगी, बाहर बॉर्डर पे खड़ी है सब। अच्छा, बॉर्डर पे तैनात है सब आपके कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी? नहीं भैया, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले हैं। चाहने आजम साहब के कितने लोग होंगे? हजारों में है, आने कब दिया है, अंदर घुसने नहीं दिया। सब गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, सड़कों पे खड़ी हैं। वो तो इक्का दुक्का हम लोग पैदल पैदल इधर गलियों से निकल आगे कुछ आ गए हैं, जो भी यहाँ 100-200 आदमी 400 आदमी होगा यहाँ। बॉर्डर पे जो लोग इकट्ठा हैं समर्थक, वो साथ में जाएंगे रामपुर तक? और क्या, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, अपने नेता के साथ जाएंगे। ये कहाँ कहाँ से आए हैं? अब भैया बहुत जिलों के आसपास है, रामपुर है, उसके आसपास के जिलों के हैं, बहुत दूर दूर के लोग हैं। ये अभी है? अभी अंदर से बाहर आने की क्या उम्मीद है पापा जी? भाई आ रहे हैं बस, अब ज्यादा नहीं हो, 10-15 मिनट से ज्यादा। आप कहाँ से आए पापा? मैं भी रामपुर से हूँ। आजम साहब के बेटे के साथ आए? नहीं, हम खुद आए हैं भाई, मेरे जैसे कितने हैं उनके सपोर्टर जो है सब आए हैं। क्या उम्मीद है, कितनी देर में बाहर निकलेंगे? बस 10-15 मिनट में। आप लोग कितने लोग आए हैं पापा जी साथ में? अरे बहुत है भाई, मैं कितने गिनाऊं। रात कल जितना पता चला है कि रिहाई होनी है, तो बस लोग रात से गाड़ियों से चली रहे हैं, पुलिस ने बाहर बॉर्डरों पे रोक रखा है। अरे भैया अब मैं ऐसे क्या बताऊं आपको, हजारों में है, कितनी है, अब मैं क्या करूं, ये तो आपको पता चली जाए जब काफिला निकलेगा कितनी गाड़ी। सबको अंदर जाने से रोक? वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा है की दृष्टि से कर रहे हैं, उनको क्या करूं, कुछ कह नहीं सकते। पैदल चल के भी लोग आए हैं क्या? अब यहाँ तो पैदल वाले ही, गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी है। पुलिस ने आपको बॉर्डर पे रोका, उसके बाद आप लोग पैदल आए? सुरक्षा की दृष्टि से रोका है, और हमने भी कहना माना है, ठीक है, हम गाड़ियाँ छोड़ के वहाँ कुछ लोग आ गए, बाकी बाहर। आजम साहब बाहर निकलेंगे तो सीधे रामपुर जाएंगे? जी हाँ जी हाँ। आप लोग भी साथ में जाएंगे? जी हाँ, पीछे पीछे। यहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं? अरे भाई साहब मैं कितनी बताऊँ, मैं गिन पाऊंगा? आप भी नहीं गिन पाएंगे कितनी गाड़ियाँ। ये तो खुशी की बात है पापा जी, आज 27 महीने बाद। खुशी तो कल से रामपुर में। देखिए देखिए, आप बातचीत करते रहिए, आजम खान की जमानत पे रिहाई पर हार्दिक स्वागत, अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, बड़े सवाल उठ रहे थे, बड़ी खबर, आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश ने लिखा है, आजम खान की जमानत पर हार्दिक स्वागत। सपा की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तो ये खबर थी, लेकिन अब पर्सनली पर्सनल ट्विटर हैंडल पर भी अखिलेश ने ट्वीट कर दिया है, आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है, बड़ी खबर, जमानत पर रिहा होने पर हार्दिक स्वागत। अखिलेश यादव लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, बड़ा सवाल था ये, बात बात पर ट्वीट आता है, रिएक्शन आता है, आजम खान की रिहाई पर ट्वीट कहां है, ये बड़े सवाल पूछे जा रहे थे। ये सवाल शिवपाल से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा अखिलेश जाने, लेकिन अखिलेश ने जान समझ करके ट्वीट कर दिया है, बड़ी खबर, आजम खान की जमानत पर रिहा होने पर हार्दिक स्वागत। अखिलेश यादव ने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके स्वागत किया है आजम खान का, बड़ी खबर। लगातार सवाल उठ रहा था कि मिलने पहुंचेंगे, जेल में मुलाकात होगी, चलिए मुलाकात नहीं होती है। साहब देखिए, एक और तस्वीर आई है, लगातार तस्वीरों के साथ अपडेट आपको एबीपी गंगा पर मिल रहा है। देखिए एक और तस्वीर आई है, देखते हैं समझते हैं, ये वो तस्वीर है जब आजम
अनूप गुप्ता पूर्व सपा विधायक के घर पहुंचे थे, यहां पर भी समर्थकों का हुजूम। हमारे सहयोगी विवेक जिनसे बात कर रहे थे, तमाम समर्थकों की गाड़ियों को हाईवे पर रोक दिया गया है, तो वहां से पैदल चल पड़े हैं समर्थक और उन्हीं की भीड़ यहां देखी जा रही है। लगातार उनसे मिलने की कोशिश है और आजम घिरे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें आ गई हैं, पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर के भीतर की तस्वीरें, जहां आजम का स्वागत किस तरीके से हुआ है जरा देखिए आप। लगभग 27 महीने के बाद रिहा होकर के आजम की ये तस्वीर, पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए किस तरीके से अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं अपने पिता के बगल में और समर्थकों की भीड़, और ये वो भीड़ है जो रामपुर से चल करके आई है। प्रशासन ने इन्हें रामपुर जाने के लिए कह दिया तो गाड़ियां हाईवे पर लगा करके पैदल चल पड़े हैं। और हमारे सहयोगी विवेक ने जिनसे बात की है उनका तो ये कहना है कि 200-300 लोग पैदल चल के आ गए हैं साहब, और काफिले में कितनी गाड़ियां हैं जिनकी जो रामपुर से चल करके आए हैं उनकी गिनती नहीं है। ये देखिए घर के भीतर की तस्वीरें हैं, जोश इतना है समर्थकों में कि घर के भीतर पहले से इंतजार कर रहे थे, नंबर लगा करके एंट्री दी जा रही है। ये चाहने वाले हैं आजम के जो कि रामपुर से चल करके आए हैं। कल रात ही डेरा जमा लिया था, सुबह प्रशासन ने कहा साहब ट्रैफिक हो जाएगा आगे बढ़िए, तो गाड़ियां लगा दी हाईवे पर और पैदल चल करके घर के भीतर दाखिल हुए हैं। प्रॉपरली नंबर लगा करके लोग जा रहे हैं आ रहे हैं इसी दरवाजे से, सकरा दरवाजा है और आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। और घर के भीतर की तस्वीरें भी देख लीजिए आप, जहां इस वक्त आजम मौजूद हैं। तकरीबन 5-10 मिनट का और वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारी संख्या में लोग चल करके आ गए हैं, गाड़ियां हैं सड़क पर और वहीं से पैदल चल के 200-300 लोग लगभग की वहां मौजूद लोग बता रहे हैं वो आए और चाह रहे हैं मिलना आजम से। घर के भीतर की तस्वीरें चलिए दिखाते हैं हमारे सहयोगी पंकज गौड़ के कैमरे से। पंकज को सफलता मिल गई है घर के भीतर जाने की। जी पंकज जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे एबीपी गंगा पर के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे हुए हैं और आजम का जो कुनबा है वो चाहे तंजीम फातिमा जब जेल है वो चाहे तंजीम फातिमा जब जेल से छुट्टी हो या फिर उनका बेटा अब्दुल्ला वो भी यहाँ पहुँचे हैं और सिखाना चाहेंगे। हलचल बढ़ चुकी है और जेल आजम खान का है तो आजम खान का ये गेट खुला है और कुछ ही देर बाद आजम खान इसी गेट से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये जो है आजम खान कुछ ही देर बाद जो है निकल जाएंगे यहाँ से और यहाँ से सीधे आप निकल करके हम आपको पहली प्रतिक्रिया दिलाना चाह रहे हैं। और ये देखिए आजम खान जो है बस करने वाले हैं कुछ ही देर बाद दिखाएंगे उनके लिए खाली किया जा रहा है वो रास्ता यहाँ से आजम खान उतरते हुए नजर आएंगे। पहली तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखाना चाहेंगे आजम खान अपने घर का चश्मा लगाकर उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं और आजम खान के बड़े बेटे और दोनों बेटे एक तरफ अब्दुल्ला और दूसरी तरफ उनका और बेटा पूर्व
सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर के भीतर एबीपी गंगा के कैमरे से। और देखिए समर्थकों का हुजूम है, आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारेबाजी है। और मीडिया से बातचीत करने की कोशिश, लेकिन देखना होगा कुछ कहते हैं क्या। अभी तक तो कुछ भी कहते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटा, बेटे अब्दुल्ला आजम और दूसरे बेटे के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि ये पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता का घर है जिसके भीतर मीडिया दाखिल हो चुकी है। समर्थक पहले से मौजूद थे और अब आजम को आगे लेकर के दोनों बेटे बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा आजम कुछ कहते हैं क्या। गहमा गहमी बहुत है क्योंकि ये पूर्व सपा सांसद अनूप गुप्ता का घर है, दोनों बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, समर्थकों का हुजूम। सपा नेता के घर से बाहर निकलते हुए आजम खान की ये तस्वीरें, समर्थक है, मीडिया है और नारेबाजी है। सवाल बहुत सारे, लेकिन आजम की खामोशी भी है। ये देखिए, ये है तस्वीरें, ये है नजारा इस वक्त सपा नेता के घर के बाहर। पूरी मीडिया उमड़ी हुई है, आजम को गाड़ी तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। दोनों बेटे पिता को दोनों तरफ से कवर किए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पर मौजूद है हमारे साथी विवेक और पंकज। विवेक कुछ कह नहीं रहे, आजम एक चुप्पी है, लेकिन मुस्कुराते हुए देख सब रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ी। विवेक के पास आवाज भी पहुंचनी मुश्किल होगी, बहुत शोर है, नारेबाजी है। फिर से कोशिश करते हैं, जरा देखिए किस तरीके से ये सपा नेता के घर के भीतर, अनूप गुप्ता के घर के भीतर तमाम समर्थक दाखिल हो गए। बाद में मीडिया भी पहुंच जाती है और अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। शुरुआत में कोशिश की गई बैरिकेडिंग और लोगों को रोकने की, मीडिया को रोकने की, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन अब लगता है सफलता हाथ लगी है। गाड़ी में सवार होते हुए पंकज, पंकज हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। पंकज से कोई बात नहीं की है, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आजम खान से मिलने के लिए बड़ा लंबा काफिला है, जा रहे हैं लोग, आजम खान किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। शायद प्रशासन ने मना कर रखा हुआ है, ऐसे में अब आजम खान कुछ ही देर बाद यहाँ से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीर आजम खान की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आगे आगे काफिला आगे बढ़ चुका है और अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक की लोकेशन क्या है, काफिले के किस तरफ है मौजूद विवेक? देखिए मैं आजम की गाड़ी के लगातार साथ में चल रहा हूँ। द किंग इज कमिंग बैक पोस्टर बैनर, ऑडियो इंटरप्ट हो रही है आपकी विवेक, इसे जल्दी फिक्स करिए क्योंकि ये तस्वीरें, तब तक मैं समझाती चलूं दर्शकों के लिए, जहां आप इस लंबे चौड़े काफिले को देख रहे हैं, इसी काफिले में आजम की गाड़ी मौजूद है सफेद रंग की, जिस पर विधायक लिखा है। और अब
सपा नेता के घर से, अनूप गुप्ता के घर से बाहर निकल चुके हैं आजम। किस तरीके का वो तस्वीर और किस तरीके की लोगों की नारेबाजी थी वो आपके सामने थी। देखिए आजम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे सहयोगी विवेक जो बता रहे थे कि किस तरीके से लिखा है, लोगों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के पहुंचे हैं, द किंग इज कमिंग बैक, इस बैनर के साथ भी लोग पहुंचे हैं, द किंग इज कमिंग बैक। और न जाने कितने समर्थक है, एक समर्थक से जब विवेक ने बात की तो उन्होंने खुद डिटेल दी कि हम भी नहीं गिन पा रहे हम कितने लोग हैं और कितनी गाड़ियां हैं। गाड़ियों को तो हाईवे की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन विवेक से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विवेक जी बताइए। देखिए इसने लता, आजम निकल चुके हैं अनूप गुप्ता के घर से, पूर्व विधायक के घर से, और भारी भीड़ यानी हजारों लोग यहां पर सड़क पे उनको घेर लिया, उनसे बात करने के लिए, उनसे एक बार मुलाकात करने के लिए, आमना सामना करने के लिए लोगों ने घेर लिया। और आजम के साथ उनकी निजी सुरक्षा कर्मी भी थे, यानी कुछ बाउंसर भी थे जो साथ में लगे हुए थे, और वो बाउंसर उनको पूरी गाड़ी घेर के, पुलिस के अलावा जिस तरह से पुलिस मौजूद थी उसी तरह से वो बाउंसर भी थे, और बाउंसर उनको प्रोटेक्ट करते हुए पूरी गाड़ी को ले गए हैं। और यहां से अभी अभी देखिए पुलिस की जो फ्लीट है, गाड़ियां हैं, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं। विधायक भी अब तेजी से गाड़ी के पीछे, आजम की गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, और हजारों लोग, जैसा कि उनके समर्थकों ने बताया कि हजारों लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, यानी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो किस तरह से पहुंचेंगे बॉर्डर पर, सीतापुर के बॉर्डर पर, और वहां से रामपुर के लिए रवाना होंगे। तो बॉर्डर पर उनका स्वागत करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है, कारों से लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, फूल मालाएं लेकर आजम का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आजम फिलहाल निकल चुके हैं, चूंकि 9 बज चुका है और 9 बजे शहर में आम दरफ्त भी शुरू हो जाती है, आम लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। तो मार्केट प्लेस है ये, जहां पर पूर्व विधायक का आवास है वो मार्केट प्लेस है, दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। आजम की गाड़ी फिलहाल यहां से निकली है और जो हाईवे है वहां पहुंचेगी कुछ देर में, और हाईवे के बाद सीधे आजम रामपुर के लिए रवाना होंगे, रामपुर जाएंगे, और रामपुर से वो सीधे वहां पर उनके स्वागत के लिए हजारों लोग इकट्ठा हैं। तो हम सीधे चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, अगर पूर्व विधायक पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, क्या स्थिति है अंदर, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता कहाँ हैं? देखिए अनूप गुप्ता आज थे, और जैसे पूर्व में उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का स्वागत अपने आवास पर किया था, और आज जो है आजम खान का भी स्वागत किया। इसके बीच में अब्दुल्ला आजम का भी उन्होंने ऐसे ही अपने आवास पर बुलाकर स्वागत किया था। प्रशासन ने लाख जतन की कि वो पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर न पहुंच सके, लेकिन आजम खान अपने अंदाज में रहते हैं आप जानते हैं, और आजम खान आखिरकार पहुंचे अनूप गुप्ता के आवास पर। और हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की है, हमने कई बार माइक अपना लगाया उनके ऊपर और कई बार प्रयास किया, लेकिन जो है उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।